इंडिया में सबसे बेहतरीन गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो कि उनके लिए परफेक्ट हैं। और छोटी फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि 5 सीटर कारें आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। हुंडई वेन्यू। वेन्यू इंडिया में सबसे सस्ती एसयूवी कार है और काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, और इसके प्राइस भी अफोर्डेबल हैं। यानी इसकी एक शोरूम कीमत है 6,75,000 रुपये से लेकर 11,58,000 रुपये तक की। इस गाड़ी की लुकिंग भी अच्छी है, काफ़ी बोल्ड डिज़ाइन है कार का। इसका इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, और डीजल में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है। इसमें से 1.0 और 1.5 लीटर डीजल इंजन में जो मिलता है गेयरबॉक्स, वो 6 स्पीड का मिलता है, और 1.2 वाले में 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलता है, और टर्बो पेट्रोल इंजन वाले में 7 स्पीड का DCT और 6 स्पीड वाले में IMT गेयरबॉक्स मिलता है, यानी जो ऑटोमेटिक मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताई, 6,75,000 रुपये से लेकर 11,58,000 रुपये तक की कीमत है। फिर आइए मारुति सुजुकी डिज़ायर। ये कार भी फैमिली के लिए परफेक्ट है और बेहतरीन अफोर्डेबल सेडान कार है। गाड़ी की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादातर इसी कार को ख़रीदते हैं। और इतना ही नहीं, ये कार वैल्यू फॉर मनी कार है। इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और हेलोजन फॉग लाइट्स मिलती हैं। गाड़ी के इंजन की बात करें तो उसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन मिलता है। गाड़ी की जो कीमत है वो है 5,89,000 रुपये से लेकर 8,80,000 रुपये तक की। फिर आई टाटा एल्ट्रोज। एल्ट्रोज एक न्यू हैचबैक कार है इंडिया में। ये कार भी फैमिली के लिए बेहतरीन कार है। इस कार में आपको JBL के लाजवाब स्पीकर मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम काफ़ी शानदार हो जाता है। टाटा एल्ट्रोज को ग्लोबल NCAP ने 5 रेटिंग दिए हैं सेफ्टी के नाम पर, यानी ये कार काफ़ी सेफ है। इसके इंजन की बात करें, इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है गाड़ी में, दोनों ही इंजन में। गाड़ी की जो कीमत है वो है 5,44,000 रुपये से लेकर 9,35,000 रुपये तक की। फिर ये फोर्ड फीगो। फीगो एक लाजवाब लुकिंग वाली कार है। फोर्ड की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है इंडिया में ड्राइविंग के मामले में। इस कार में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं मिलती है। गाड़ी में आपको 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। ये दोनों के दोनों इंजन अपने सेगमेंट में पावरफुल इंजन है, और इनके साथ इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। गाड़ी की जो कीमत है वो है 5,49,000 रुपये से लेकर 8,15,000 रुपये तक की। मारुति सुजुकी बलिनो। बलिनो एक बहुत बेहतरीन और बेस्ट सेलिंग गाड़ी है इंडिया में। इस कार में आपको लेटेस्ट कार टेक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि LED हेडलैम्प्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, और सेफ्टी के नाम पर ड्यूल एयरबैग, ABS प्लस EBD ब्रेक भी मिलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही। इस गाड़ी में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, और गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन मिलता है। आप दोनों में से कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। गाड़ी की जो कीमत है वो है 5,63,000 रुपये से लेकर 8,96,000 रुपये तक की। फिर आई हुंडई ग्रैंड आईटेनियोस। ग्रैंड आईटेनियोस एक बेहतरीन लुकिंग वाली कार है। इस गाड़ी में लेगरूम का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इस कार की डायनामिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन का ऑप्शन। इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, 1.0 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, यानी पेट्रोल में 2 इंजन का ऑप्शन और डीजल में 1, जो कि 1.2 लीटर डीजल इंजन है। गाड़ी की जो कीमत है एक शोरूम वो है 5,06,000 रुपये से लेके 8,29,000 रुपये तक की। फिर ये मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस एक बेहतरीन पावरफुल वाली गाड़ी है, लेकिन इसका वेट कम है। इस गाड़ी में आपको बिल्कुल सेम इंजन मिलता है जो वैगनार और स्विफ्ट में मिलता है, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर। इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। गाड़ी की जो कीमत है वो है 4,89,000 रुपये से लेकर 7,19,000 रुपये तक की। फिर आइए हुंडई सेंट्रो।
सेंट्रो कार भी फैमिली के लिए बेस्ट कार है और सस्ती कार है। सेंट्रो कार पहले से ही आती थी लेकिन बीच में बंद हो गई थी। ये 2018 से दोबारा लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के बाद से ही इसकी सेल्स काफ़ी होने लग गई है, पर टाइम के साथ साथ सेल्स थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। पर ये कार एक परफेक्ट कार है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इसमें 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल का। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 4,89,000 रुपये से लेकर 7,19,000 रुपये तक की। मारुति सुजुकी वैगनार। वैगनार एक पुरानी और लाजवाब कार है, पहले से ही फैमिली के लिए बेस्ट कार है और काफ़ी पॉपुलर है और बिकने में भी आगे रहती है इंडिया में। इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, वो भी दो इंजन का ऑप्शन मिलने लग गया है अब। एक तो 1.0 लीटर वाला जो मिलता आ रहा है 2010 के बाद में से ही, और एक मिलने लगा है 1.2 लीटर। इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है दोनों इंजन के ऑप्शन में ही, और इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है दोनों इंजन के ऑप्शन में ही। इस गाड़ी में न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि टच स्क्रीन है। गाड़ी की जो शोरूम कीमत है वो है 4,45,000 रुपये से लेकर 5,94,000 रुपये तक की। आखिरी कार आई है फैमिली के लिए जो बेस्ट है, वो है रेनो कंपनी की क्विड, और सबसे सस्ती कार यही है इस लिस्ट में। रेनो क्विड एक छोटी SUV टाइप कार है लेकिन है हैचबैक कार ही। इसकी बॉडी डिज़ाइन आपको SUV गाड़ी की तरह लगेगी। इस गाड़ी में आपको 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। रेनो क्विड में दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, 0.8 और एक 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन, और गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन जो मिलता है वो 5 स्पीड का है, और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है लेकिन 1.0 लीटर वाले में मिलता है, AMT ट्रांसमिशन 0.8 लीटर वाले में नहीं मिलता। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 2,94,000 रुपये से लेकर 5,07,000 रुपये तक की। तो मैंने आपको 10 कारें बताई हैं और ज़्यादा महंगी भी कारें नहीं बताई हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट कारें हैं ये, लेकिन हैं सारी की सारी 5 सीटर कारें। आपके हिसाब से कौन सी कार सबसे ही ज़्यादा बेस्ट है फैमिली के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।